figure shows the speed time graph of a car traveling along a horizontal road. अच्छा, अब ये कार की जो ट्रेवल कर रहा है एक रोड पे लीनियरली एक एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसका एक ग्राफ है. लेट्स स्टडी द ग्राफ फर्स्ट. फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड देर इज नो चेंज इन स्पीड, राइट? स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब स्पीड कॉन्स्टेंट है. और जब स्पीड कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन यहाँ पे जीरो है, ठीक है? उसके बाद जो कार की स्पीड है वो विद इन 2 सेकेंड यानी कि 2 to 4 यानी कि 4 सेकेंड में उसकी स्पीड इज डिक्रीज फ्रॉम 30 to 25, मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड में चेंज आया इन 2 सेकेंड. तो मैं अगर ये कहूँ कि 5 मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, तो आप 2 इज एक्चुअली द टाइम. सो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन यानी डीसेलरेशन है. अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट कर रहा है, राइट? मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये डीसेलरेशन है, ठीक? बाद यहाँ से 4 सेकेंड से लेके टिल 7 सेकेंड इसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है. स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है. इसका मतलब डिसेलरेशन हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इस बार कॉन्स्टेंट नहीं है, वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है? डिक्रीजिंग डिसेलरेशन है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहां से 7 से लेकर के 10 सेकेंड तक उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, मींस एक्सेलरेशन अगेन यहाँ पे जीरो है, ठीक है? जीरो है, यहाँ भी जीरो है, फिर इसने अचानक डिसेलरेट किया, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलरेट किया और नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलरेट किया और फिर एक्सेलरेशन जीरो हो गई, ठीक है? तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. Mark and label a point where the car has a non-uniform deceleration. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैं कहीं भी एरो बना के मार्क कर दूं कि यहाँ पे non-uniform deceleration है, non-uniform deceleration, ठीक है? उसके बाद कैलकुलेट द डिसेलरेशन ऑफ द कार एट 3 सेकेंड. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ 3 सेकेंड, तो ये 4 और 2 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब मुझे स्लोप लेना पड़ेगा, ग्रेडियंट लेना पड़ेगा. ग्रेडियंट का मतलब इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड यानी फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस विच इज 4 माइनस 2. तो यहाँ पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट इज एक्चुअली व्हाट 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 2.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द कार why its speed is constant at t equals 1 second. So, पहले तो ये समझ लें कि कॉन्स्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन होता नहीं है और फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन. इफ एक्सेलरेशन इज जीरो दैट मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो जीरो. इसका मतलब इस बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, ठीक है?